चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। कि इस बार व्यापारी वर्ग चाहे वो खुलकर सामने आए ना आए, लेकिन व्यापारी वर्ग इस बार कांग्रेस को वोट करे। उसकी ये टीस आने वाले समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित नुकसान। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के शामली शहर में है। अभी चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल जो उठ के आ रहा है कि दो बहुत बड़े आर्थिक फैसले जो सरकार में लिए गए थे, एक था नोटबंदी और एक था जीएसटी, व्यापारियों पर उसका क्या असर रहा, खासकर कि छोटे और मध्यम व्यापारियों पर। माना जाता है आमतौर पर कि व्यापारी समाज जो है, और खासकर कि बनिया या ब्राह्मण समाज का जो व्यापारी समाज है, वो भारी मात्रा में भाजपा के साथ होते हैं। शामली शहर से अभी हमारे साथ कुछ व्यापारी समाज से कुछ अकाउंटेंट्स हैं जो इन मुद्दों पर शायद थोड़ा खुल के बात करना चाहते हैं। आप सबका चलचित्र अभियान में बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि बात की जाए पिछले 5 साल की, चूंकि मैं एक व्यापारी मैं ठीक ठाक बिजनेस कर रहा था, लेकिन एक जो अघोषित फैसला आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नोटबंदी का, नोटबंदी के कारण व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसके साथ साथ लगभग 3 महीने के बाद तुरंत जीएसटी का फैसला ले लिया गया सरकार द्वारा, वो व्यापारियों की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त था और व्यापारी इससे बहुत आहत है, उसका व्यापार बहुत प्रभावित है। मैं यदि अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे लगभग 50% का नुकसान नोटबंदी और जीएसटी के कारण अपने व्यापार में है। आप सुनते एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं, बैलेंस शीट्स आपसे ज्यादा कोई बहुत करीबी से अगर कोई देखते हैं तो आप ही लोग देखते हैं, क्या आपका अनुभव रहा है अभी इसका? 125 करोड़ भारतीयों ने नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया और तहे दिल से स्वागत किया, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी सार्वजनिक मंच से कि 50 दिन में हम ये सब कुछ फाइनल कर देंगे कि कितना ब्लैक मनी डिपॉजिट हुआ, कितना हिंदुस्तान में ब्लैक मनी था और इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। एनीवे बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आफ्टर द डिमोनिटाइजेशन व्हाट द डिसीजन, क्या फैसला लेंगे प्रधानमंत्री जी? आज आप देख रहे हैं चुनावी माहौल है, 5 साल पूरे होने को है, 26 मई से पहले गवर्नमेंट भी बनानी है न्यू। नोटबंदी अगर इतना ही ऐतिहासिक फैसला था, वो इतना ही सक्सेस हुआ, तो उस पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? देखिए पूरा हिंदुस्तान लाइन में लगा, 118-120 के करीब, एक्चुअल आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा मौतें हुई। तो फिर उन 100 से ज्यादा मौत की जिम्मेदारी कौन ले? नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान के अंदर 600 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने अपने आलिशान कार्यालय बनाए। दिल्ली के अंदर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बहुत आलिशान अपना कार्यालय। आखिर वो पैसा कहां से आया? क्या वो सार्वजनिक होगा? पहली बात। दूसरी बात, क्या हम ये मान ले कि आपने अपना ब्लैक को व्हाइट करने के चक्कर में डिमोनेटाइजेशन किया? आप जैसे एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं, आप कह रहे हैं कि इस तरह से आज के दौर में नोटबंदी आपको लगता है कि भ्रष्टाचार रोकने में बिल्कुल सफल नहीं रही, लेकिन सीधा सीधा आपने इसका बैलेंस शीट में क्या देखा है, क्या असर रहा है बिजनेसेस पर? द कैश इन हैंड शॉर्ट हो गया। आम जनता का काम चलता है कैश से। आपने शिक्षा का बजट घटा दिया और आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। जब तक आप हिंदुस्तान की साक्षरता पे ध्यान नहीं देंगे, आप डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे? एंड्रॉइड फोन में फेसबुक वगैरह चलाने से डिजिटल इंडिया नहीं बनता। डिजिटल बैंकिंग लाने के लिए उनको पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा कि इस बार व्यापारी वर्ग चाहे वो खुलकर सामने आए ना आए, लेकिन व्यापारी वर्ग इस बार कांग्रेस को वोट करेगा। देखिए इसमें एक चीज मैं आपको कह दूं, व्यापारी जो है हमारा, विशेष रूप से शामली और शामली के आसपास के क्षेत्र, वो यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण किसान से जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ का किसान प्रभावित है तो स्वाभाविक है किसान प्रभावित होने के कारण यहाँ का व्यापारी भी प्रभावित होगा, और व्यापारी को इस बात की टीस है, उसकी ये टीस आने वाले समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित नुकसान। आपको लग रहा है कि वो सीधा जाके
कांग्रेस या गठबंधन के लिए वोट करेंगे, उपचुनाव की तरह वोट ही नहीं डालेंगे इस बार? उपचुनाव की यदि बात की जाए, उपचुनाव में भी यहाँ 9.5 लाख वोट पड़ी थी, उस समय 16.5 लाख वोट का यहाँ पोल था, अब भी कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है, 17 लाख वोट हैं, और अब की बार भी 9.5 या 10 लाख के पोल की ही उम्मीद जताई जा रही है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। आमतौर पर कई सालों से एक धारणा रही थी कि भाजपा जो है वो दरअसल व्यापारियों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ये बोला जाता था अक्सर, बोला नहीं जाता था, हाँ, ये था। इसी का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत में आई। बोला जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ 5 सालों में लोग उसको भूल जाएंगे, क्योंकि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ इतना हंगामा मच गया, नौजवानों को तो इन चीजों में बड़ा मजा भी आता है। आप लोगों को लगे कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ बीजेपी वाले जो है मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। इनको सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है, इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, ये जुमले की सरकार। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो ये तभी तो राम मंदिर पर वोट मांगती थी, तभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, ये अपने मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांगती? बीजेपी वालों के अंदर इतनी देशभक्ति है, हमारा करनाल से और मेरठ का जो नेशनल हाईवे है, आप अगर वो जाके देखोगे, जिससे हमारी आर्मी सेना हर एक घंटे बाद गुजरती है यहाँ से, और वो आप अगर रोड देखोगे तो आप पैदल भी नहीं चल सकते हो। हिंदुत्व के नाम पर, गाय के नाम पर मौजूदा सरकार ने एक फैसला लिया गोवंश के संवर्धन का, प्रभाव ये हुआ कि आज आप गांव का दौरा कीजिए, हर किसान परेशान है, अपनी फसल को बचाने के लिए उसे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, फिर भी उसकी फसल नहीं बच रही है। इन्होंने यहाँ प्रत्येक शहर में जिले लेवल पर एक चारागाह बनाने की घोषणा की, उसके लिए कुछ फंड भी इन्होंने रिलीज किया, लेकिन मेरा मानना है कि 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गए हैं और उसके बाद लगभग यूपी गवर्नमेंट को भी आपका 2 साल के समय हो चुका है, कहीं भी कोई भी चारागाह आज तक अस्तित्व में नहीं आया। एक्सपोर्ट्स के आंकड़े लो तो सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट तो अभी हो रहा है,